how to make your mind absolutely clear. The knowledge, I guess, more knowledge about that. मोर नॉलेज अबाउट दैट कि जितना हमको नॉलेज आती चली जाएगी उससे रिलेटेड जो हम कर रहे हैं तो माइंड कंपैरेटिवली क्लियर होने लग जाएगा. लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जितनी कई बार हम बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब तक कम होती है तो एक्शन हो रहा होता है. बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो माइंड में और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डाइट के बारे में कुछ पढ़ रहे हो इंटरनेट पर, तो एक जगह पर कुछ लिखा हुआ है, एक जगह पर कुछ और लिखा हुआ है, ये खाना अच्छा है ये खाना बुरा है, तो अब और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आ जाती है. तो इन्फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी. किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो क्लैरिटी कहाँ है? वो तो बिल्कुल ऐसा हो गया डार्कनेस में आप हो, हवा में तीर चलाने के जैसा हो गया. यू हैव नो इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में मैं बिल्कुल डार्कनेस कर दूं और आपको बोलूं कि कुछ फेंकना है मेरी तरफ, चांसेस क्या है मुझे हिट करने के? मैं तो आराम से साइड में जाकर खड़ा हो जाऊंगा, फेंकता रहो. इन्फॉर्मेशन तो पहले की थी ना, बट अगर लाइट जली हुई है तो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप टारगेट को हिट कर पाओगे. मैं टारगेट मतलब नहीं, ठीक है, कोई नहीं. इसको बोलते हैं लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन, कि बिना इन्फॉर्मेशन के यू कांट थिंक, बिना इन्फॉर्मेशन के यू कैन नॉट एक्ट, बिना इन्फॉर्मेशन के देर कांट बी क्लैरिटी इन माइंड. गाड़ी चलानी है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चला लोगे? नहीं, चला तो लोगे लेकिन उसके बाद क्या होगा वो. So, अब यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे सामने. तो इस चैलेंज का क्या सोल्यूशन है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उधर माइक पास ऑन कर दो. सर, आई थिंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स इज वेरी नेसेसरी. जैसे मैं यदि डाइट की कोई सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, एक है कि जो जिसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है, जिसने कुछ पर्टिकुलर करा हो, वो एक्सपर्ट है, तो आई थिंक उनसे इन्फॉर्मेशन लेना इज मच मोर बेटर देन यदि मैं किसी और से ले रहा हूँ. आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम. इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स. आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो, आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए कि उस बिजनेस में जो उस लेवल तक पहुंचा है जहां पहुंचना चाहते हो उसने एग्जैक्ट क्या क्या किया है, तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ नहीं गई? बिल्कुल ऐसा है जैसे जंगल में कोई आकर के आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, ये मत करना, ये करना, ये वो. उसके बाद भी माइनर प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि चीजें बदलती रहती है, लेकिन फिर भी माइंड क्लियर होगा या नहीं होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर, एक पॉइंट और, मींस अंदर तो आग लगती है ना, ये चीज करना है तो सर हम कर सकते हैं. अभी इन्होंने कहा कि अंदर हमारे आग लगती है कि हम ये चीज कर सकते हैं और फिर हम वो कर जाते हैं. नॉट नेसेसरी, ध्यान से समझ लेना, आग से सब कुछ नहीं होता है. बहुत लोग हैं उनके अंदर बहुत आग लगी हुई है, मतलब भरे पड़े हैं. अगर किसी के अंदर बहुत आग है कि मैं इस गाड़ी को चला लूंगा, बल्कि जरूरत से ज्यादा आग होगी तो उसके अंदर पेशेंस ही नहीं होगा. वह कौन सीखेगा, मैं तो अभी चलाऊंगा, आज चलाऊंगा, देखता हूं, है ना. जरूरत से ज्यादा आग में ये गड़बड़ हो जाती है, पेशेंस गायब हो जाता है, ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो जाती है. डेफिनेटली आग जरूरी है, जिसको हम आग कहते हैं उसको आप पैशन कहो, उसको जुनून कहो, फितूर कहो, वो जरूरी है, उसकी अपनी एक जगह है, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है. उसके साथ में आपको स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए इन द राइट डायरेक्शन, तभी तो सक्सेस मिलेगी ना. तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए जो सही रास्ता है, सही रास्ता मतलब सही रास्ते की इंफॉर्मेशन, वो कहां से मिलेगी? इन्होंने कहा जो ऑलरेडी वहां पर उसको अचीव कर चुके हैं. ऐसा नहीं है, देखो एक बात अच्छे से समझ लेना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, अब मैं इसको बोल के अब चुप रहना उसके बाद में, ठीक है, अब बीच में मत बोलना. टू ब्रेक द रूल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स. समझ गए? एक कमाल का आपको क्रिकेटर बनना है तो बैट पकड़ना तो आना चाहिए. अब अगर अपने उस गोल को अचीव करना है तो वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स. नाउ व्हाट इज राइट सोर्स एंड व्हाट इज रॉन्ग सोर्स? एक कैटेगरी उन बंदों की है जो भी आपका गोल है उसकी उनको ABCD भी नहीं पता है. अब चाहे वो आपको पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आपको ऊपर उठा रहे हैं, चाहे नीचे गिरा रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी सलाह दे रहे हैं, वो राइट इंफॉर्मेशन है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन? तो उनकी बातों को क्या हमें सीरियसली लेना है या नहीं लेना है? चाहे वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं,
अगर एक्चुअल में आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो होगा क्या, आपने गोल सेट किया, कोई भी उठ करके आकर के आपको कुछ भी बोलेगा, थोड़ा सा कुछ नहीं हो पा रहा, सबको जल्दी है ना दुनिया में, हमारे घर वालों को भी, दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, सबको जल्दी है भैया, जो होना है अभी हो जाए, बोलो अभी नहीं होता है, कम से कम 9 महीने तो लगते हैं। Now the point is कि अगर ये बात आपको क्लियर नहीं है तो माइंड आपका कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बंदा आकर के आपको चढ़ा देगा, कोई गिरा देगा, कौन है ये बंदे जिनको ABCD भी नहीं पता है आपके उस काम के बारे में, आपके उस गोल के बारे में, मतलब उन्होंने वो काम कभी किया ही नहीं है और वो आकर के आपको बता रहे हैं, कैसी है ये इंफॉर्मेशन, क्रैप, कचरे की जैसी है, इसको डंप कर देना चाहिए। सर जो आपने बोला कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई नया हम कुछ करने आ कर रहे हैं कि उस इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जैसे कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि वो कोई उसके लिए कुछ है ही नहीं, कोई वर्ल्ड में कुछ किया ही नहीं, उस टाइम में हम कैसे कर रहे हैं? अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी आप करने का सोच रहे हो हजारों लाखों लोग हैं जो उसको कर चुके हैं, हमें पता नहीं है, वो बात अलग है, नंबर वन। नंबर टू, फिर भी मान लेते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, मान लो उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं, अब क्या करें? अब अपने थॉट्स के बेस पे काम मत करो, रियलिटी को समझो, उसके बेस पर काम करो, फैक्ट्स में, रियलिटी में और हमारी इमेजिनेशन में हमको फर्क पता है? Yes, क्या फर्क है? मैं यहां पर हूं, ये क्या है? रियलिटी है, फैक्ट है, कोई इसको क्वेश्चन कर सकता है? एनीबॉडी? यहां पर जो करेगा उसको जगाना पड़ेगा, हिलाकर मार पिटाई होगी वहां पर। तो ये फैक्ट है, रियलिटी मतलब सबके लिए सेम है, मैं अच्छा हूं, ये क्या है? रियलिटी। अच्छा जी, धर्म पत्नी हो आप मेरे। याद रखना, एक झूठ जिसको पूरी दुनिया सच मानती है, उससे वो झूठ सच नहीं हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ही घटिया और घिनौना इंसान हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात पक्की है कि ये रियलिटी नहीं है, ये आपकी अपनी एक इमेजिनेशन है, आपका अपना एक ओपिनियन है, आपका अपना एक थॉट है, आपकी अपनी श्रद्धा है, जो चाहे मानते रहो। कोई आकर के बोलेगा कि ये बहुत ही घटिया इंसान है, वो क्या है? रियलिटी है। अबे कौन है ये? नजरिया है, जो बेस्ड अपॉन रियलिटी है उसको हम नजरिया नहीं कह सकते। अर्थ गोल है, ये प्लैनेट गोल है, ये क्या है, इसको क्या हम नजरिया कहेंगे? फैक्ट है जी, इसमें नजरिया क्या है? ये कोई ओपिनियन तो नहीं है, ये कोई मेरा थॉट नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बस फैक्ट्स और इमेजिनेशन के बीच में फर्क को देखते चले जा रहे हो। फैक्ट्स और रियलिटी मतलब क्या? विच कैन बी वेरीफाइड बाय एनीबडी एंड एवरीबडी, जो सबके लिए सेम है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, दैट इज अ फैक्ट। इमेजिनेशन मतलब क्या? जिस पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, जिस भी बात पे क्वेश्चन मार्क लगाने की गुंजाइश है या उसका अपोजिट बोलने की गुंजाइश है, वो सब क्या है? सब इमेजिनेशन है जी, सब आपके माइंड में है, एक्चुअल में कहीं नहीं। इनको माइक देना एक बार। अब ये बताओ, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कैसे समझाए? और तो सबसे हमने मत। आई अंडरस्टैंड। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को समझाना या खुद समझना? अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आना या खुद के माइंड में क्लैरिटी लेकर? अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है तब एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आ सकते हो। अगर आपको खुद का ही माइंड क्लियर नहीं है तब क्या करोगे? एक बार माइक दे दो इनको। सर, अगर हमें पता है कि हमने कोई गोल सेट किया है और हमें पता है कि हमने उसके बेसिकली अगर कुछ रिसर्च किया है या फिर हमने कुछ भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके एंड वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, तो एक वो इश्यू आता ही नहीं है कि हमें पेरेंट्स को हमें मनाना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे। उसके बाद भी अगर किसी के पेरेंट्स नहीं कन्विंस होते तो मैं उसको बोल सकता हूँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
वहाँ पर क्या करना है भैया, जो करना है आपको करना है, आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी श्रद्धा हो वो कर। क्वेश्चन यही है कि अपने माइंड में कैसे क्लैरिटी लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सेशन कर रहा हूँ और अगर मेरे खुद के ही माइंड में क्लियर नहीं है तो मैं आपके माइंड को क्लियर कर सकता हूँ? यस और नो? यस और नो? किसी के भी माइंड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंड को क्लियर करना। हम कभी भी खुद के माइंड को क्लियर नहीं करते हैं, हवा में बातें करते हैं। अगर पेरेंट्स पूछेंगे भी आपसे आकर के, हाँ भाई क्या करना चाहते हो? मैं ये करना चाहती हूँ। अच्छा कैसे करोगे? मैं वहां चली जाऊंगी ट्रेन की टिकट लेकर के। अच्छा उससे क्या होगा, कहाँ रहोगे? रह लूंगी ना कहीं पे। क्या करोगे? कर लूंगी ना कुछ। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भाई घर पे रहना है, पागल खाने जाना है? और वो अपनी जगह ठीक है, गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है। बट अगर आपके पास में एक प्लान हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूं और इतने दिन की बात है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होगा, अगर इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो जो आप कहोगे मैं कर लूं, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के रास्ता खुलने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है अगले इतने साल के अंदर अंदर, और उसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 99% है कि वो हो जाएगा जो मैं करना चाहता हूं। फिर वहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, वहां पर एनर्जी बड़ी तेजी से निकल रही होती है, वन पॉइंटेड फोकस होता है, काम करने में मजा आ रहा होता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आप क्या कर रहे हो और उसकी वजह से क्या होने वाला है। एंड यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप। माइंड मैप पता है हमको क्या होता है? कितने लोगों को पता है? माइंड मैप आप जाकर के गूगल पे स्टडी कर सकते हो। माइंड मैपिंग क्या है, हम ज्यादातर कैसे करते हैं ये सारे काम जो मैंने कहा लिख लो, आप क्या करोगे, लिस्ट बनाने बैठ जाओगे। ज्यादातर हमको काम भी करना होता है कि अगले एक हफ्ते में मुझे ये करना है या कल मुझे ये करना है, हम लिस्ट बना रहे होते हैं। माइंड लिस्ट में नहीं सोचता है। माइंड कैसे सोचता है? लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक ब्रांच यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, ये उसकी सब ब्रांचेस होती है, फिर उसकी आगे ब्रांचेस होती है, उसकी आगे, उसकी आगे, उसकी आगे। इससे क्या होता है, वो काम जो करने में घंटों लगते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं, मिनट्स में हो जाते हैं वो काम। अलग अलग लिस्ट नहीं बनानी ना, अलग अलग चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए 3 मेन काम करने हो, इसकी भी तो सब ब्रांचेस होगी ना, इसको करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना। तो आपने क्या किया, पहले ये 3 यहां पे लिखे। अब ज्यादा वहां पे राम कहानी मतलब कहानियां नहीं लिखनी है कि ये पूरा लंबे लंबे सेंटेंसेस ना, सिर्फ एक वर्ड, और इसको सुंदर सा बनाओ माइंड मैप को। मतलब कलर्स लेकर के एक शीट ले लो A4 साइज की, या अगर और बड़ा माइंड मैप बनाना है तो थोड़ी बड़ी। जब भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, अपने एक्शंस को चेंज करना है, पहले माइंड मैप को चेंज करो फिर एक्शंस को चेंज करो। आप कहोगे अच्छा ये 3 काम करने हैं, इन 3 को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब ये करना होगा। फॉर एग्जांपल, इन 3 में से ये वाला एक काम है, इसके लिए मुझे इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट कुड बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर इट इज। अच्छा इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये करना होगा, वो भी आपने आगे बना दिया, तो उसकी सब ब्रांचेस बनती चली जाती है। इसकी पूरी की पूरी एक टेक्निक है, उसको आप पढ़ सकते हो नेट पे जाकर के कि माइंड मैपिंग कैसे करते हैं, इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। फिर चाहे आपका गोल कोई भी है, इनफैक्ट अपने सारे गोल्स को भी एक माइंड मैप पे आप क्लब कर सकते हो। जैसे एक गोल आपका क्या हो गया, करियर से रिलेटेड, एक हो गया हेल्थ से रिलेटेड, एक हो गया अपना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसका हो सकता है आपके करियर से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, बट वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 3 आपके गोल्स हो गए। अब उनको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, एक हो गया करियर से रिलेटेड, उसके लिए मुझे ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। हेल्थ के लिए क्या करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। और वो माइंड मैप जैसे ही आप पेपर पे बना लेते हो आपके दिमाग में छप जाता है। ये माइंड मैप की खास बात है, बनाते ही छप जाता है, फिर वो निकलता नहीं माइंड में। आप फिर धीरे धीरे आदत ऐसी बन जाएगी माइंड में भी, खट 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 खट, सब क्लियर होगा माइंड के अंदर। तो अगर उससे बाहर कोई आइडिया आता है, हो सकता है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, माइंड मैप ही आपका गलत है, वो मैप गलत है, तो अब क्या करना है, एक्शंस को चेंज करना है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, पहले मैप को चेंज करना है। अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो, उस पर अपना एक माइंड मैप बना सकते हो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगा करके। कई बार ऐसा भी होगा शुरू शुरू में, स्पेशली वो तब ज्यादा होता है जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, डेली माइंड मैप पुराना जो है वो फटेगा, नया बनेगा। कुछ किया आपने, दिख रहा है कि नहीं ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब इसको अलग तरीके से करते हैं, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, अब उसके लिए ये करना होगा, उसके लिए ये करना होगा।
जैसे जैसे वो चेंजेस हो रहे हैं तो अब आपके माइंड को क्लियर पता है कि मुझे ये करना है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यहाँ से माइंड में क्लैरिटी आ जाती है। सर आपने बोला कि एक माइंड मैप क्रिएट करो और अपने घर में व्हाइट बोर्ड लगाओ, हम किसी को अपना माइंड मैप क्यों बताएं, अपने तक क्यों ना सीक्रेट रखें? नहीं, ये भी आइडिया अच्छा है, खुफिया रखो उसको। वही मतलब ये आपके अपने ऊपर है। घर में कोई आए वो हमारा व्हाइट बोर्ड देखेगा, पागल वागल हो गया, दिमाग खराब। आप अपना उस पर भी कर सकते हो, चार्ट पेपर बना करके रोल करके अंदर अंदर रख दो, वहाँ दो चार तारे वाले लगा दो, पहले एक लॉकर बाद में दूसरा, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोगों को अपना एक माइंड मैप बनाना पड़े, आपके माइंड मैप तक पहुँचने के लिए, ऐसा भी आप चाहे तो कर सकते हैं। लॉक नहीं, बेसिकली जैसे आप बोलते हो कि काम ऐसा करो साइलेंस में और अपनी जो आपकी सक्सेस होगी वही नॉइस करेगी। आप ठीक कह रहे हो, मैं बस वैसे मजाक कर रहा था। हाँ, लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हर। हाँ, थैंक यू सो मच सर।